हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एंड आई होप अभी तक आपने अपने एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए प्रिपरेशन कर ली होगी. जो भी रिवीजन करना था, जीए सेक्शन, क्वांट सेक्शन, रीजनिंग सेक्शन, सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा. आप लोग वेल प्रिपेयर्ड होंगे अपने एग्जाम्स के लिए. और सबसे पहले ऑल द बेस्ट आप सभी को जो कि एसबीआई क्लर्क मेंस का अटेम्प्ट देने जा रहे हैं. आप लोग के सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आपने प्री क्लियर किया है और उसके बाद आप मेंस देने आए हैं, तो अपना बस आपको बेस्ट देना है अब. और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है. जितना अपनी तरफ से आप कर सकते हैं, आपको वहां पेपर में अब करना है. तो अब बात करते हैं पेपर देते समय और पेपर देने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है. सबसे पहली चीज है, हमारे माइंड में ना बहुत सारे प्री अजम्पशंस रहते हैं कि पिछली बार ऐसा पेपर आया था, ये कट ऑफ गई थी, इस स्टेट की ये कट ऑफ जाएगी. यहाँ जिस स्टेट से हम दे रहे हैं उस स्टेट में तो बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है. मे बी वो सारे फैक्ट ट्रू हो, मैं ये बिल्कुल मानती हूँ, लेकिन अब तक जो आपने सोचना था, आपने समझना था, जो प्रिपरेशन करनी थी वो कर ली है. अगर अब आप इस चीज को बार बार 10 बार भी सोचेंगे, आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं बदल सकते. आप बस अपने आप में वो प्रेशर डाल रहे हैं वो पेपर देते समय या पेपर से पहले. तो जो सोचना था, करना था, आप सबने कर लिया है. अब जो भी आपने प्रीअज्यूम कर रखा है उस सब चीज को थोड़ा सा साइड रखते हैं. जब पेपर देने आप जाएंगे तो उस चीज को घर में रख के जाइएगा और पेपर एक होप के साथ दीजिएगा. यू नेवर नो क्या हो जाए नेक्स्ट, क्या होने वाला है. और आपने हमेशा देखा, हमें नहीं पता होता कि क्या चीज होगी, तो एक होप के साथ, एक बिलीफ के साथ और क्या कहते हैं, मोटिवेशन के साथ अपना पेपर देने की कोशिश करिएगा. कुछ भी जब आप पेपर दे रहे हैं उस समय कुछ भी माइंड में नेगेटिव थॉट्स मत रखिए. कुछ भी पहले से जो आपने प्रीअज्यूम कर रखा है वो मत सोचिए. बस अपना 100% फोकस अपने पेपर पे दीजिए. जो होना होगा होगा, वो बाद में देखेंगे. अभी जो हमें प्रेजेंट मोमेंट में, स्पेशली पेपर के टाइम देते समय, हमें पूरा फोकस अपने प्रेजेंट मोमेंट में रखना है. और एक बार सिर्फ और सिर्फ अपने आप पे बिलीफ रखना कि आपने जो पढ़ा है, जो करा है, वो पक्का पेपर में आपसे होगा. और उस बिलीफ के साथ पेपर देने जाइएगा. दूसरी चीज जो हमें हमेशा, एक वो मैं जानती हूँ, पेपर देने से पहले ना एक बहुत डर लगा रहता है. प्री तो निकल गया लेकिन मेंस में इतने बच्चे हैं और उनमें से तो कुछ ही लोग का सिलेक्शन होना है. वो डर कि अगर कुछ गड़बड़ हो गई पेपर में, कई चीज हम मेंस की पजल में अटक गए, हमसे क्वांट सेक्शन नहीं बना, जीए में हमने जो क्वेश्चंस पढ़े वो नहीं आएंगे, उसके अलावा बहुत सारे थॉट्स रहते हैं माइंड में. आई नो वो डर थोड़ा सा ऐसा नहीं है, जब हम पेपर प्रिपरेशन करते हैं वो डर आ जाता है. मेरे साथ भी हुआ है बहुत बार, इतना ज़्यादा भी डर लगा है कि कुछ करने का मन ही नहीं करता था पेपर से पहले. वो धक 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 वो रुकती ही नहीं थी पेपर देने से पहले. बस इतना बोलूँगी कि ठीक है, किसी को ज़्यादा लगता है, किसी को कम लगता है डर. कई बार हम बहुत, जब टाइम हो जाता है ना प्रिपरेशन करते करते, तो वो डर धीरे धीरे ज़्यादा बैठते जाता है, जो कि मेरे साथ एक्सपीरियंस यही रहा है. शुरू शुरू में जब मैं मेंस देने जाती थी मुझे इतना डर नहीं लगता था, बट धीरे धीरे जब मैं एक मेंस में फेल हुई या फिर उसके बाद मेरे पेपर नहीं निकलने शुरू हुए एंड देन मैं दूसरा तीसरा अटेम्प्ट करने लगी, तो वो डर ज़्यादा लगने लगा. वट इफ इस बार भी नहीं हुआ तो. बट एक चीज जो मैंने ध्यान में रखी, ठीक है डर अपनी जगह है, पेपर से पहले भी बहुत डर लगा है, मैंने कभी भी उस डर को अपने आप पे हावी नहीं होने दिया. और पेपर देते समय उस डर को इतना वो करा, इतनी एंग्जाइटी नहीं बढ़ाई कि मैं पेपर ही अटेम्प्ट ना कर पाऊं. तो यही चीज मैं आपसे भी बोलूंगी, अपना जो भी डर है ठीक है, उसे पेपर से पहले वहीं छोड़ दीजिए, उसे अपने आप पर बस कुछ भी ऐसा करिए, उसे आपको अपने आप पे हावी नहीं होने देना है. वो एंग्जाइटी आपके पेपर को इफेक्ट ना करे. जो भी हो रहा है सबका अलग एक्सपीरियंस होता है. ये उनके लिए है जिन्हें थोड़ा सा डर ज़्यादा लगता है या फिर जिन्हें लग रहा है. तो कुछ भी हो, बस अपने आप पे उस डर को हावी मत होने दीजिए. कुछ अच्छा सा मोटिवेशन सा सुन के जाइए, कुछ भी अच्छा देख के जाइए, खुद पे भरोसा रख के जाइए. आई एम श्योर अगर आप ये चीज़ें करेंगे, और एक बार खुद पे जब हम भरोसा कर लेते हैं कि ठीक है यार जो होगा करेंगे, हमने प्रिपरेशन करी है ना, इस समय पेपर स्टार्ट हो गया, बस अब पूरा फोकस इस पर रखना है, बाकी देखा जाएगा, तो उस चीज को थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करने की कोशिश करना पेपर से पहले और अपना पेपर में 100% फोकस देना. तीसरी चीज जो मैं आपसे बोलना चाहूंगी पेपर से पहले, कई बार क्या होता है ना, जब पहला सेक्शन आपने करा वही इतना ज्यादा टफ आ गया, जो भी आपने पढ़ा था वो आया ही नहीं. सपोज जीए सेक्शन है, जो आपने पढ़ा था वो आया ही नहीं, या फिर क्वांट सेक्शन है, आपने वो करा, आपसे सॉल्व ही नहीं हुआ, इतने हाई लेवल दिया ही आपने का पेपर तो इतना टफ आ गया है. आप ना पहले ही सेक्शन में डीमोटिवेट हो जाते हैं. आपके कोई भी होगा, मैं भी होंगी, वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, यार इतनी प्रिपरेशन करी थी और पहला ही सेक्शन खराब हो गया है. और मे बी जिस सेक्शन में हमने सबसे ज्यादा, हमारा स्ट्रांग सेक्शन हो सकता था शायद, सपोज किसी का क्वांट होता है, किसी का रीजनिंग होता है, जो भी होता है, और वही सेक्शन खराब हो जाता है, तो लगता है जिसमें हमने सबसे ज्यादा पढ़ा था वही खराब हो गया, तो नेक्स्ट क्या. बट बिलीव मी, ऐसा जरूरी नहीं है अगर आपने पहला सेक्शन खराब हुआ आपका दूसरा भी खराब हो जाएगा. हो सकता है पहला सच में टफ हो, आपकी गलती ना,
हो, कई बार हमें या फिर पहला टफ हो दूसरा इजी हो, और जो भी पेपर रहेगा ना वो सबके लिए टफ आएगा। अगर पहला सेक्शन क्वांट टफ आया वो मतलब 90% बच्चे वही बोलेंगे कि वो टफ आया है, अगर आया होगा तो। बाकी कुछ एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, 5-10% बच्चे जो कि बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर जाते हैं, बट ठीक है, आपको अगर वो टफ आया है तो सिर्फ आपके लिए नहीं आया है, सबके लिए आया है। और इन केस अगर आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपकी गलती की वजह से आपका पहला सेक्शन खराब हो चुका है, तो अपने बाकी के सेक्शन मत खराब कर दीजिएगा। यू नेवर नो बाकी सेक्शन में आप कितना अच्छा कर जाए। अगर आपने पहले सेक्शन में खुद को डिमोटिवेट कर दिया, उसकी वजह से आप दूसरे सेक्शन में वो ढीले पड़ गए ना, आपने फिर सोचा क्या यार अब तो पहला सेक्शन भी खराब हो गया, दूसरा भी, तीसरा भी, वो उस स्पीड से उस मोटिवेशन के साथ नहीं करा ना, तो मे भी अगर आपके चांसेस भी होंगे ना सिलेक्शन के, अगर आप हो भी जाते सिलेक्शन दूसरे तीसरे चौथे की वजह से, तो आपको वो सिलेक्शन आपका रुक जाएगा और फिर आपको बाद में पछतावा होगा, अरे यार ये इतना इजी था, घर जाके आप देखोगे यहां पे तो मैं यहां पे स्कोर कर लेता, मेरा सिलेक्शन हो जाता। तो अभी जब आप 3-3.5 घंटे जो भी आप पेपर देंगे उस समय सब कुछ छोड़ दीजिए, पहला सेक्शन दूसरा सेक्शन, आपको बस पूरे इस पेपर के टाइम में अपना बेस्ट देना है, चाहे आपका एक क्वेश्चन खराब हो, चाहे आपका पूरा सेक्शन खराब हो, चाहे आपके 2-3 सेक्शन खराब हो जाए, लास्ट सेक्शन में भी आपको अपना उतना ही 100% देना है तो देना है। चौथी चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर किसी पजल में आपने सपोज बहुत टाइम दे दिया है, आपको लगता है स्कोरिंग है आपने करा 10 मिनट्स 11 मिनट्स 12 मिनट्स, हमें लगता है यार 12 मिनट दे दिए 15 मिनट दे दिए, अब क्या 5 मिनट और दे देते हैं तो पक्का बनी जाएगी, इतना टाइम तो हमने वेस्ट कर ही दिया है। जब वो आपसे 15 मिनट में नहीं बनी, चांसेस हैं शायद 5 मिनट में बन जाए, पर चांसेस तो ये भी है ना शायद वो 5-10 मिनट में भी ना बने और आप अपना आधा घंटा वेस्ट कर दें और आप जो क्वेश्चंस कर सकते हैं वो आप ना कर पाए। तो अगर आपने किसी पजल को, किसी डीआई को, किसी भी क्वेश्चंस को अपने 12-15 मिनट्स दे दिए हैं, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको लगता है शायद 2-3 मिनट देके आपका हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये तो और कॉम्प्लिकेटेड होते जा रही है, प्लस आपका फिर से 2-3 मिनट नहीं हुआ, तो कोशिश वो लेट गो करने की कोशिश करिए, छोड़ने की कोशिश करिए। यहाँ पे कोई आपको किसी को प्रूफ नहीं करना कि आपने यार 2 मार्क्स की पजल कर ली या आपने इतनी टफ पजल कर ली, यहाँ पे आपको सिलेक्शन लेना है और किसी को कुछ भी, ठीक है यार अब हो गया जो हो गया, वो 10-15 मिनट्स है उसे साइड रखिए और बाकी जो टाइम बचा है ना जितना भी उसको बेस्ट यूटिलाइज करिए, उसमें और स्पीड बढ़ाइए, उसमें अपने आप को धीरे धीरे और मोटिवेट करिए, नहीं यार देखता हूँ कोई ऐसा क्वेश्चन जिससे मैं ज़्यादा स्कोर कर लूँ, पहले 10-15 मार्क्स स्कोर कर लीजिए। कुछ कुछ क्वेश्चन मिसलिनियस क्वेश्चन ऐसे होते हैं लाइक सिलॉग्स इनइक्वालिटी के, जो कि 2-3 मार्क्स के आ ही जाते हैं मेंस में, उसको पूरे करिए। ऐसे ही क्वांट सेक्शन में भी कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आप अपना अच्छा पहले स्कोर कर लेते हैं, लाइक सिंप्लीफिकेशन ये सब, उसको पहले स्कोर करिए उसके बाद थोड़ा जाइए। तो किसी भी क्वेश्चन में अपने आप को ज़्यादा टाइम नहीं देना है, सबको इक्वल टाइम देना है, और जहाँ पर अगर आप अटक रहे हैं तो कोई बात नहीं, टाइम वेस्ट हो गया तो हो गया, छोड़िए, लेट गो करिए, आगे बढ़िए। और लास्ट चीज, पांचवी चीज, जब भी आप किसी भी सेक्शन को देने जाएं, सबसे पहली चीज ऐसा नहीं जो पहला क्वेश्चन आए उसे उठा लीजिए। बहुत बार हम ये गलती करते हैं, इतना ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं कि जो क्वेश्चन पहले आया उसे ही उठा लेते हैं, बट ये चीज नहीं करनी है। आपको पहले पूरा क्वेश्चन पेपर स्कैन करना है, जैसे भी आया, अगर हो सकता है कई बार सिंप्लीफिकेशन जैसे क्वेश्चंस लास्ट में होते हैं सेक्शन के और हम उसे देखते ही नहीं है, और ऐसी सेम मिसलिनियस लॉग्स इनइक्वालिटी ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपके लास्ट में होंगे हम देखते ही नहीं है। हम पजल्स में इतना कि हमें यार शुरू में 1.5 या 2 मार्क्स की पजल दिख जाती है, कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हम इतना अटक जाते हैं कि हम देखते ही नहीं है कि इजी क्वेश्चंस भी हैं। तो पेपर का लेवल हमेशा अगर हाई भी है ना तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो उसे बैलेंस आउट करेंगे, तो कोशिश करिए आपका कोई तो स्ट्रांग पॉइंट होगा ना उस पर फोकस करिए, थोड़ा सा अपने सेक्शन को पूरा स्कैन करिए, 2-3 मिनट दीजिए उसे स्कैन करने में, उसके बाद आप कोशिश करिए जो आपको सही लगता है उसे उठाइए। शुरू में ही आपको ऐसा नहीं है उठा के डिमोटिवेट जाना है, अगर आप राइट वे से अप्रोच करेंगे ना क्वेश्चंस पेपर को तो आपको समझ आएगा कि हाँ भाई आप वो एक जब शुरू में ना आप वो 10-15 मार्क्स ले लेते हैं, और मेंस में 10-15 मार्क्स लेना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इवन 5-10 मार्क्स लेना भी अपने आप में बड़ी बात है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो अगर आप वो ले लेते हैं ना तो आपको कोई क्वेश्चंस मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर कोई क्वेश्चन थोड़ा टफ भी है ना हम अपने माइंड को वैसा ट्रेन कर देते हैं, हमारा माइंड वैसे लेकर यार इतना तो हो गया अब थोड़ा शायद हो जाएगा, वरना अगर हम पहले ही कोई बहुत टफ ले लेते हैं तो लगता है यार यही नहीं हुआ, तो आगे भी वो एक माइंडसेट बन जाता है। तो कोशिश करिए पूरा स्कैन करिए, उसके बाद वो डिसाइड करिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी पेपर है, ये सिर्फ एक पेपर है, आई नो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो आपको अपना यूटिलाइज बेस्ट करना है, बट अननेसेसरी प्रेशर नहीं लेना पहले से, जो भी प्रेशर है उसे घर छोड़ के जाइए, साइड में रख के जाइए,
अपनी तरफ से बेस्ट दीजिए, अच्छा बुरा वो पेपर के बाद डिसाइड करते हैं, वो रिजल्ट आने के बाद डिसाइड करते हैं। और अगर बाय चांस कई बार बहुत अच्छा करने के बाद भी नहीं, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होता है, एंड आई नो वो फीलिंग कैसी होती है जब हम पेपर से बाहर आते हैं, बुरा लगता है, द ओनली थिंग आई विल से अपने आप को फिर से उठाना सीखिए। कोई बात नहीं, जो गलती भी हो जाती है उसके बाद देखिए कहाँ गलती हुई है एंड देन इम्प्रूव करिए। और जितना भी आपने अभी तक पढ़ा है, किसी ने कम पढ़ा है, किसी ने बहुत ज़्यादा पढ़ा होगा, जितना भी पढ़ रखा है जिसने, बस एक बिलीफ के साथ जाइए, अपने आप पे एक बिलीफ के साथ, एक मोटिवेशन के साथ। ये मत सोचिए मैंने कम पढ़ा है, ज़्यादा पढ़ा है, अब जो होना था वो हो चुका है। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बस मैं यही कहना चाहूँगी मेंस के लिए। बाकी ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत अच्छे से अपने पेपर को देना, बहुत शांत माइंड से देना। ऐसी अपॉर्चुनिटी जब आपको मिली है तो उसका मैं बार बार वही बोल रही हूँ, बेस्ट यूटिलाइज करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चिल देन बाय बाय।